राजनयिक शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की अगुवाई में राजनयिकों की यह टीम सुबह 9 बजे विशेष विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंची। यहां से सभी संगम गए और गंगा पूजन के साथ कुंभ की तैयारी का जायजा लिया। राजनयिकों की अगवानी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम ही प्रयागराज पहुंच चुके थे। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज जाएंगे। गंगा पूजन के बाद राजनयिक अर्याल घाट गए और यहां सभी राष्ट्रों के ध्वज का ध्वजारोहण हुआ, साथ ही कुंभ से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके बाद सभी दोपहर 3 बजे बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली लौट गए। प्रयागराज में करीब 6 घंटे तक राजनयिक रहे। कई देशों से राजनयिक आए थे, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बोलविया, बुर्कानी फासो, कनाडा, कंबोडिया, कोस्टा रिका, क्रोशिया, क्यूबा, जिबेतो, डोमिनिकन रिपब्लिक, इजियट, ईआई, स्लावार्डो, जीनिया, इरिट्रिया, इथोपिया, गुबान, गेबान, गैम्बिया, जॉर्जिया, ग्रीक, जूनिया, कोरिया, कांगिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, लिसोथो, लीबिया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, मालवी, मलेशिया, माली, माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, मेरको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पेलेस्टाइन, पैरागावा, पोलैंडो, पुर्तगाल, सेनेगल, सर्बिया, स्लोवेनिया, सोवियत रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका, सूडान, सोमालिया, सूरीनामा, तंजानिया, त्रिनिदाद, ट्यूनिसिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन देशों से राजनयिक आए हुए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज की धरती पर 16 दिसंबर को आगमन होगा। वह लगभग 3500 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तैयार diplomats that are here today, as well as those who for one reason or the other could not make it today. I want to give the most sincere thanks to the government of Uttar Pradesh for organizing this, for the Minister of External Affairs, not only General V.K. Singh, who has sacrificed his Saturday with his family to be with us today, but also to the External Affairs Minister, Sushma Swaraj, who personally was following up the coordination of this visit. I want to give a very special thanks to the new Chief of Protocol, Mr. Nagesh Singh, and his staff, because I know for a fact that since he took over, this has been one of his priorities, to make every single coordination and every single moment of this trip to be perfect for the likings of all of us that are here today. I also want to give a very special bathroom. I've had people call me and ask me that. I said, I've never been in Kumbh. I don't know. Now I can tell them there's a lot, triple the number of bathrooms there were in the past. So we've all been receiving people from our countries in Kumbh Mela. We are feeling now a lot more confidence in the people that will come in the years ahead. And tourism. लेकिन वो जो ग्लोबल ब्रांडिंग है उसके अंदर चार चांद लगाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, सभी लोग उसको और सशक्त बनाने के लिए आज हम हेड्स ऑफ मिशंस को लेकर माइक नीचे कर लीजिए करीब लोग नहीं आपका माइक थोड़ा नीचे कर लीजिए बिल्कुल। इसके बाद मुझे लगता है कि जो बाकी बच गए वो अपने आप ठीक है। साथ साथ एक चीज और की जा रही है, हमारे जितने भी मिशन एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है बाहर, वो हर देश से एक एक नागरिक को प्रेरित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए और प्रयागराज के अंदर पूरे विश्व के हर देश का पंकज एक नागरिक। सर आज जो अभी जो अंदर जानकारी दी, क्या फीडबैक रहा? अभी आपने पूछ लिया, अभी जो अंदर जानकारी दी गई है क्या फीडबैक रहा है, क्या रिस्पांस रहा है जब तमाम जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनका? इतनी ज्यादा जानकारी दी गई है कि उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है,
जितनी चीजें बताई गई जो लोगों के दिमाग के अंदर अगर कोई शक रहा होगा वो सारे दूर कर दिए गए, चाहे सुरक्षा हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे बिजली के बारे में हो, चाहे पानी के बारे में हो, चाहे नदी के ऊपर का बंदोबस्त हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब चीजें बता दी गई और एक बड़ा सकारात्मक वातावरण जो है वो उनको देखने को मिला है। और यही हम चाहते थे कि पता चले कि जब कुंभ की तैयारी होती है तो उसके अंदर कितना कितना काम करना पड़ता है, जो आज उनको पता चला। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की जो परिकल्पना है वो साकार होती दिख रही है। देखिए जब वो जब बोला गया था तो साकार होने के लिए ही बोला गया। उन्होंने क्या देखा सर? ये भी यही देखा सर, ये जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इसके पॉलिटिकल एक्सरसाइज की जा रही है कुंभ की, क्योंकि तो चुनाव के जस्ट पहले शुरू हो रहा है, चुनाव शुरू होने के पहले कल खत्म हो जाएगा, तो इसमें उनका ये कहना है कि इसमें पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी चल रही है। क्या ये चीज उन्होंने 6 साल पहले भी कही थी या 5 साल पहले कही थी? तब भी कुंभ हुआ था 2013 में, उसके बाद चुनाव आए थे। ये कहने की बात गलत है, इसके अंदर हम ऐसी बातों के अंदर हम नहीं पढ़ते, छोटी बात। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल